नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो NTPC के द्वारा यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या ली जा रही है, और किस डिपार्टमेंट कितनी सारी रिक्रूटमेंट जो है आज यहाँ पर NTPC के द्वारा यहाँ पर निकाल गई है। तो चलिए इसका जो पूरी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उसको डाउनलोड करके आगे की प्रोसेस आपको यहाँ पर बतलाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, जो कि NTPC के द्वारा यहाँ पे जो इसका रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाल गई है। तो यहाँ पे अगर इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इसके अनुसार होगा तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो NTPC के द्वारा निकाली गई है, 250 आपको जो है एक्सपीरियंस इंजीनियर की आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई, एंड 25 जो है एक्सपीरियंस असिस्टेंट केमिस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको निकाली गई। तो यहाँ पे आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर या फिर एक्सपीरियंस असिस्टेंट केमिस्ट, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस भी आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ए नंबर में आपको यहाँ पे जो शो कर रहा है इंजीनियर, जो कि E2 ग्रेड के लिए आपको 250 यहाँ पे पोस्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। एंड नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका बी नंबर में आपको यहाँ पे जो बोला गया असिस्टेंट केमिस्ट, जो कि E1 ग्रेड के लिए आपको यहाँ पे बताई गई है, जिसमें टोटल यहाँ पे जो है 25 रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे जो है NTPC के द्वारा यहाँ पे निकाली गई। तो चलिए वन बाय वन आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस पोस्ट के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, एंड यहाँ पे क्या आपको जो है सीटें बनाई गई है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इंजीनियर्स के लिए अगर जो भी कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करते हैं एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए, तो इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन आपका रखी गई है, आपका इंजीनियर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरमेंशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो अगर आपके आपने जो अगर आप बीई बीटेक कर रखे होंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मैकेनिकल ब्रांच या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंटू मेंशन से, आप मिनिमम 60% के साथ अगर जो है आप क्वालिफाई पास किए होंगे बीई बीटेक में, तो आप जो है बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे में देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग यहाँ पर बोला गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका ब्रांच यहाँ पे दी गई है। एंड मैकेनिकल के लिए आपको जो है मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ये सब आपका जो है ब्रांच दिए गए हैं। एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स अभी का सभी ब्रांच के लिए जो है आपको यहाँ पे एलिजिबल अगर होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड आगे में एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो जो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस आपको बोला गया, आपका मिनिमम 3 इयर्स का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होगा, जो कि अगर आप जो है मेंटेनेंस या फिर इरेक्शंस कंस्ट्रक्शंस या फिर इंजीनियरिंग मेन प्लांट थर्मल पावर प्लांट ये सब में अगर आपने जो है एक्सपीरियंस कर रखे होंगे मिनिमम 3 इयर्स का, तो आप जो है बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपका जो है एक्सपीरियंसड इंजीनियर के लिए जो रिक्रूटमेंट निकालिए उसके लिए। अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम जो है आपका 30 इयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप इसमें सेलेक्टेड होते हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं, उनको जो यहाँ पर जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है 50,000 आपको जो है पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पोस्ट की बात करें तो सेकेंड में आपका जो है असिस्टेंट केमिस्ट, जो कि E1 ग्रेड के लिए आपको निकाली गई है। अगर इसके लिए जो लोग आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन आपको रखी गई है MSc एंड केमिस्ट्री, तो अगर आपने जो है MSc अगर केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट से पास किए होंगे मिनिमम जो है एटलीस्ट 60% के मार्क्स के साथ अगर आपने क्वालिफाई किए होंगे पास किए होंगे, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका केमिस्ट के लिए जो आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपका बोला गया है मिनिमम, इसमें भी आपका जो है 3 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ही आप जो है केमिस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपको जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई मैक्सिमम यहाँ पर जो अपर एज आपका रखी गई है 30 इयर्स आपको यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। और जो लोग यहाँ पर जो बी यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट निकाली गई है केमिस्ट के लिए, इसमें अगर आप सिलेक्टेड होती हैं तो इसमें भी आपको जो है बेसिक पे स्केल आपको जो है 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सीटें आपको बताई गई है, तो आप किस कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंशन ये आपका टोटली आपको यहाँ पे दी गई है 75 इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए 115, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 30 है, इंस्ट्रूमेंशन के लिए 30 है, एंड
असिस्टेंट केमिस्ट के लिए 25 है। तो ये आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दी गई है, एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल, आप किस कैटेगरी से आते होंगे तो आप यहाँ से चूज़ करके आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, जो कि जो भी स्टूडेंट अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फर्स्ट इसको जो जनरल कंडीशन दी गई है इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, तभी आप जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका एज कैटेगरी में अगर आप जो है आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप किस कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी, तो उसके अनुसार आपको अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के अनुसार जो आपका यहाँ पे एज में आरक्षण दी जाती रिलेक्सेशन दी जाती तो आप यहाँ से देख करके जो है आरक्षण अपना ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोली गई कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट, तो जो एनटीपीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.ntpccareer.net, तो ये इसमें जाकर जो है आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट ही इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी आपको ली जा रही है, तो अगर आपको किस कैटेगरी से हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, ये कैटेगरी में अगर आप आते होंगे तो उसको यहाँ पे जो नॉन रिफंडेबल आपको जो रजिस्ट्रेशन फी जो आपको चार्ज ले जा रहे हैं, आपको 300 रुपये आपको एप्लीकेशन फी आपको ली जा रही है, और जो लोग यहाँ पे एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर एक्सएम कैटेगरी से आते होंगे उसको यहाँ पे जो है किसी तरह की एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे नहीं ली जा रही है। तो आप इस एप्लीकेशन फी को कैसे पे कर सकते हैं, तो ये फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये दोनों मोड से आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी के बारे में आपको यहाँ पे बोला गया है, तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी माध्यम से जो है आप इस एप्लीकेशन फी को पेमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दी गई है, इस अकाउंट नंबर में जो आप इसका जो एप्लीकेशन फी जो चार्ज यहाँ पे ली जा रही है इसमें आप जो है एसबीआई चालान के थ्रू यहाँ पे आप इसमें पे कर सकते हैं। अगर आप जो है ऑनलाइन मोड से इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड करने के लिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यहाँ पे किसी भी भीम यूपीआई, ये सब आप किसी भी माध्यम से जो है इस फॉर्म को आप यहाँ पे एप्लीकेशन फी का पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी जो स्टार्टिंग डेट की बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट आपको रखी गई इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 15/7/2020, जो कि आज की डेट में यहाँ पे जो है यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आरंभ कर दी गई है, एंड जो लास्ट डेट आपको रखी गई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए 31 जुलाई, इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है एनटीपीसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके,